Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Paathshala. Today we are going to solve some numericals on magnetic force. Magnetic force on current कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो आज जो न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे फॉर आईआईटी जेई एंड नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। तो आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें, कैसे हम मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं किसी करंट कैरिंग वायर्स पे। तो देखिए कैसे करने क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक इमेजिनरी क्यूब दे रखा है आपको, ठीक है भाई। एक आपको क्यूब दे रखा है इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी क्यूब और इसकी डायगोनल पर, इसके बॉडी डायगोनल पर एक आपको दे रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है भाई। इसके बॉडी डायगोनल पे आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है। चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर। तो आपको इस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पे रखा हुआ दिखेगा, ये इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड ऑन बॉडी डायगोनल ऑफ वायर, सॉरी क्यूब। तो यह आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई, इस तरह से फ्रॉम ए टू बी। चलिए नाम रख लेते हैं बी, नहीं पी क्यू नाम रख लेते हैं, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है इसलिए हम बी सिंबल का यूज नहीं करेंगे नाम में, इस तरह से। तो आपके पास पी क्यू एक कंडक्टर है, क्लियर। और उस कंडक्टर जो है, कंडक्टर हमारा वो रखा है एक इमेजिनरी क्यूब जिसकी साइड ए है, उसके बॉडी डायगोनल के अलोंग वो रखा हुआ है, क्लियर है। अच्छा यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, और वो दे रखी है आपको बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, क्लियर है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, ठीक। फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू, ठीक, हैविंग करंट आई फ्रॉम पी टू क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको पता करना है कि इस पी क्यू वायर पे कितना फोर्स काम करेगा जो कि रखा हुआ है क्यूब के बॉडी डायगोनल पे। अब देखिए क्यूब में क्या है, साइड्स ले लेते हैं भाई, ये तो एक्सिस ले लेंगे यहां पर, ये हो गया आपकी मान लीजिए जेड एक्सिस, ये आपको दे रखा है एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, क्लियर है। तो एक्स वाई जेड और वाई एक्सिस आपके पास हो ही गई, ठीक है। अब आपको ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे आपको फोर्स पता करना है कंडक्टर पी क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक बार आपसे नोट कर लें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स काम करता है वो कितना होता है, ठीक है। तो मैं फोर्स का एक बार फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं,
एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ये आता है। जैसे मान लीजिए एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स काम करेगा वो इस फॉर्मूले से निकलता है, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अब जो हमारे पास वायर है पी क्यू, अगर इससे हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल निकालने चले, थ्री डी फिगर में काफी कॉम्प्लिकेट होगा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत इजी रहेगा वेक्टर फॉर्म में, अगर ये क्वेश्चन आप ट्राई करते हो तो बहुत इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, अगर इसको स्केलर फॉर्म में करने जाएंगे तो इस थ्री डी हमारे पास जो डायगोनल है वो एक्चुअली कुछ इस तरह से बाहर निकलता हुआ है, तिरछा है ना ऐसा, क्योंकि ये थ्री डी फिगर है, तो फिर वो एंगल निकालने में काफी दिक्कत आएगी, वो एंगल निकल नहीं पाएगा इजिली। तो हम करते हैं फोर्स ऑन पी क्यू वायर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा करंट। अच्छा आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये एल वेक्टर होता है ना, याद लिख देता हूं मैं ये बात, आई एल वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड, यहां से यहां लिखता हूं ये बात, आई एल वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आई एल वेक्टर होता है इसको बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा करंट के फ्लो की डायरेक्शन में होती है। तो फोर्स ऑन पी क्यू वायर अगर हम निकालेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, आई पी क्यू क्रॉस बी वेक्टर। अब पी क्यू क्यों लिया है, क्योंकि करंट पी से क्यू की तरफ जाए तो आपको पी क्यू वेक्टर लेना है, अगर करंट क्यू से पी की तरफ आता तो आपको क्यू पी वेक्टर लेना होता। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इनिशियल पॉइंट आपका जहां से करंट एंटर करेगा और फाइनल पॉइंट वो जहां पर करंट लीव करेगा, ऐसे होता है हमेशा। तो आपको जो लेंथ लिखनी होती है वो करंट की डायरेक्शन लिखनी होती है वेक्टर फॉर्म में, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में तो पी क्यू वेक्टर आ गया आपके पास, अगर उल्टा होता तो हम इसे क्यू पी वेक्टर लिखते हैं, लेकिन अभी की केस में हम पी क्यू वेक्टर ही इसको लिखेंगे। अब अगर हम पी क्यू वेक्टर को निकालना चाहें तो आप इलेवेंथ में वेक्टर पढ़ चुके हो, अगर बहुत सारे वेक्टर्स इस तरह से दे रखे हो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको भी, मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट P हो गया, इसे मान लेते हैं Q, इसे सॉरी तो Q ऑलरेडी मान चुके हैं, तो P Q R इसे मान लेते हैं और S इसे मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक एरो आप ऐसे बना लो, फिर यहां पर एक एरो ऐसे बना लो, और फिर यहां पर भी एक एरो ऐसे बना लो, ठीक। और आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, अपने काम आएगा बाद में। अब हमें मेन निकालना है पी क्यू वेक्टर, ऐसे हम पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। अब देखिए फ्रॉम फिगर देखिए क्या है भाई, पी क्यू वेक्टर जो आपके पास आएगा तो पी क्यू वेक्टर आपका आएगा पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर। तो पी आर वेक्टर आर एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर, इन तीनों का सम करूंगा तो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पी से स्टार्ट हुए ये सारे वेक्टर्स और क्यू पे खत्म हो गए, तो इन तीनों का सम आएगा सीधे सीधे किसके बराबर, पी क्यू वेक्टर के बराबर। ये तो हम इलेवेंथ में पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए कैसे करना है, आगे पी क्यू मालूम चल गया, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप, पी क्यू वेक्टर था पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर देखिए क्या है, साइड तो सारी ये है और ये किसके अलोंग काम कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो पी आर वेक्टर आएगा कितना हो जाएगा, ए जे कैप, ए जे कैप। और जो आर एस वेक्टर आएगा भाई, इसकी भी लेंथ ए ही है लेकिन ये माइनस आई पे काम कर रहा है तो माइनस आई कैप, क्योंकि उल्टा चल रहा है, माइनस एक्स के अलोंग चल रहा है, तो माइनस ए आई कैप हो जाएगा, क्लियर है। फिर आपका आ जाएगा एस क्यू, तो एस क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, ए के कैप, क्योंकि तो जेड एक्सिस के अलोंग बाहर आएगा, ये ऐसे का मतलब है तिरछा ऐसे बाहर क्यों, इस तरह से,
तो जेड एक्सिस पर आ रहा है इसलिए आ जाएगा ए इंटू के कैप। पीक्यू वेक्टर निकल आया। बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा था बी नॉट इंटू आई कैप। नाउ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ वेक्टर हो जाएगा आई। पी क्यू वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए जे कैप माइनस ए आई कैप प्लस ए इंटू के कैप क्रॉस। बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, बी नॉट इंटू आई कैप। यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एक्स एक्सिस वर्क कर रही है, ठीक है। तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा भाई आपके पास, आई ए इंटू बी नॉट जे क्रॉस आई, फिर माइनस ए इंटू बी नॉट आई क्रॉस आई, फिर ए इंटू बी नॉट के क्रॉस आई। तो पहले जे क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस आई, फिर के क्रॉस आई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो f वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा i a इंटू बी नॉट जे क्रॉस i करेंगे। देख कैसे करते हैं j क्रॉस i, यहां पर एक आप सर्कल बना लो i, यहां j और यहां k क्या, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने एरो बनाए उसी ऑर्डर में चलोगे तो अगला वाला जैसे दो का मल्टीप्लाई करते हो i क्रॉस j करते हो तो थर्ड वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। जे क्रॉस के करोगे आप सेम ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए तो आपका आई कैप आ जाएगा। के क्रॉस आई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, जे आ जाएगा, ठीक। और इनमें से किसी को भी उल्टा करते हो, जैसे मान लीजिए आपने जे क्रॉस आई कर दिया माइनस के आ जाएगा, के क्रॉस जे कर दोगे आप माइनस आई आ जाएगा, माइनस जाएगा आई क्रॉस के करने पे, ठीक है। इस तरह से तो ये होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के का। तो जे क्रॉस आई देखिए, जे क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे क्रॉस आई माइनस के, तो यहां लिख देंगे हम माइनस के कैप, ठीक है भाई। फिर माइनस ए इंटू बी नॉट आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई आपका हो जाएगा जीरो। ए इंटू बी नॉट के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई कहां है भाई, तो के क्रॉस आई आपका आएगा जे कैप के इक्वल, ये आपका हो जाएगा जे कैप। तो यहां से एफ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, एफ वेक्टर आपका आ जाएगा ए इंटू बी नॉट जे कैप माइनस ए इंटू बी नॉट के कैप। ये प्लस का है और ये माइनस का है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया तो जीरो ही हो गया बीच वाला। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, रूट आई ए इंटू बी नॉट रेस टू द पावर टू आई इंटू ए इंटू बी नॉट रेस टू द पावर टू। वो जो जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल आते हैं वही, उनका स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं, रूट लगा देते हैं तो वैल्यू निकल आती है। तो क्या आ जाएगा अभी कुल मिला के, आई इंटू ए इंटू बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई रूट टू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक है भाई, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्यूब टाइप थ्री डी शेप में कोई वायर दे रखा है तो उसको आप पहले वेक्टर फॉर्म में ही करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहां पर जो एंगल निकालना होता है बी वेक्टर का वायर से वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। करंट आईएल वेक्टर से और बी वेक्टर के बीच का एंगल आप थ्री डी फिगर में निकालने जाओगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, बढ़िया। अब मान लीजिए आपके पास यहां पर एक क्यूब दे रखा है, बिल्कुल पिछली बार की तरह, ठीक है। और इस क्यूब की कुछ साइड्स पे एक वायर है, ये सारे क्यूब जो है, इसमें सारा क्यूब नॉन कंडक्टर का, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। कुछ वायर्स हम लगाएंगे इस साइड्स में, केवल उनमें ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके एक्स एक्सिस, ये हो गया भाई। अब इस तरह से मान लीजिए ये जो पॉइंट है अपने पास, ये हो गया स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल ई, ठीक है भाई।
और मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट एफ, ये है अपने पास, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो आपका जो वायर है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये वायर आया पहले इसकी साइड ए बी के थ्रू, और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है भाई, आई, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है इस वायर में। फिर ये वायर गया बी सी के थ्रू इस तरह से, और इसमें भी करंट भाई आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर ये डायगोनल पे आया इस तरह से, मान लेते हैं इस हटा दिए, इस पॉइंट जरूरत नहीं है, ये सीई आ गया, ठीक है। और इसके बाद मान लेते हैं जो हमारे पास करंट है वो आ गया इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, ऐसा, ये करंट हो गया आपके पास आई। अब इस तरह से एक वायर आपको दे रखा है, इसमें जो रेड रेड है ये वायर बना रखा है मैंने यूनिफॉर्म है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ए और एफ के बीच, हमने कोई सेल कर दिया करंट, आप ऐसे मान लो, ठीक है। इस तरह से ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें नहीं, जो रेड रेड वायर है केवल इसमें आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। ये आपका जो ब्लैक वायर है कनेक्टिंग वायर है, इसका फोर्स आपको नहीं पता करना है, आपको सिर्फ रेड रेड वायर में फोर्स पता करना है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम जो है वो रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये पूरा का पूरा यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं वो क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, गिवन वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है भाई बी नॉट के कैप, क्लियर है भाई। बी नॉट के कैप का मतलब जो यहां पर फील्ड है वो कैसी है, डॉट डॉट बाहर की ओर है, इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड है, इस तरह से आपको यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है इस फिगर में, इस तरह से। तो डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रही है। तो ये फिगर है, अब आपको निकालना है फाइंड फोर्सेस ऑन सेगमेंट्स ए बी BC, CE, EF and also find force on total length of wire। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे एक बार नोट कर लो, इसके बाद हम देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है भाई, ठीक है। देखिए कैसे करना है सोल्यूशन इसका, अब फोर्स हमें निकालना है सभी से, जो रेड रेड कलर का मैंने बना रखा है, आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर पे मैंने यहां पे एरो बना रखी है, सिर्फ यही वायर है, बाकी जो ब्लैक है वो वायर नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ रेड वाला वायर है इतना। तो पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन ए बी, भाई फोर्स ऑन ए बी लेंथ निकालते हैं पहले, तो ए बी लेंथ पर जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, एफ वन वेक्टर मान लेते हैं इसको, करंट तो इसमें आई मैंने मान ही लिया है, सभी में करंट तो सेम ही आई फ्लो करेगा, ठीक है, वही करंट जा रहा है सभी में, तो आई, और इसके बाद अंदर आ जाएगा आपके पास ए बी वेक्टर,
और क्रॉस आ जाएगा आपके पास बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्यों लिखा है, मैंने कहा था जहां से करंट स्टार्ट करेगा पहले वो पॉइंट लिखना है, फिर बाद में वो पॉइंट लिखना है जहां पर करंट अपना एग्जिट करता है जिस पॉइंट से। तो ए बी वेक्टर आपका आएगा एल वेक्टर यहां पे, ठीक है। अच्छा अब मान लेते हैं जो हमारे पास ये क्यूब दे रखा है, ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है इसकी, ये आपको दे रखी है एक्स नॉट, ठीक है। क्वेश्चन में आप कर लें जो क्यूब की साइड है वो क्या है भाई, एक्स नॉट है। क्वेश्चन और नोट कर लें, साइड ऑफ क्यूब क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन था, साइड ऑफ क्यूब इज एक्स नॉट। एक्स नॉट मैंने मान ली इसकी साइड। तो अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको, आई तो हो गया हमारे पास करंट, है ना। अब देखिए ए बी, ए बी किसके अलोंग काम कर रहा है भाई, ए बी काम कर रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। तो ए बी क्या जाएगा एक्स नॉट, तो इसकी लेंथ हो गई, डायरेक्शन हो गई इसकी आई कैप, मल्टीप्लाई जो मैग्नेटिक फील्ड ली थी हमने वो ली थी के कैप आउटवर्ड, ये लिखा हुआ है सामने आपके पास। तो यहां से जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, आई इंटू एक्स नॉट इंटू बी नॉट आई कैप क्रॉस के कैप। अभी मैंने आपको समझाया था कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो अब पीछे के देख लो वापस, आई क्रॉस के की वैल्यू क्या आई थी, आई क्रॉस के की वैल्यू आती है माइनस जे, तो आपका आ जाएगा माइनस यहां पे लग जाएगा, ये आएगा जे कैप, ये हो गया आपके पास एफ वन वेक्टर, क्योंकि आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे होता है, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास पहला फोर्स, ऐसे ही हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन बीसी, फोर्स ऑन बीसी के लिए मान लेते हैं भाई एफ टू वेक्टर है, वो करंट तो इसमें भी आई है और बीसी की लेंथ भी एक्स नॉट है क्योंकि क्यूब है, तो यहां पर एक्स नॉट तो होगी लेंथ बीसी। अच्छा बीसी किस तरह करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर वाई एक्सिस पर, का मतलब आ जाएगा यहां पे जे कैप मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट के कैप। जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के आपका होता है आई के इक्वल, तो यह आ जाएगा आई इंटू एक्स इंटू बी नॉट आई कैप। फोर्स ऑन सीई यह आ जाएगा मान लीजिए एफ थ्री वैक्टर, क्या आ जाएगा भाई एफ थ्री वैक्टर। एफ थ्री वैक्टर कैसे निकालेंगे, तो करंट तो आई है इसमें भी, अब सी से ई तक देखिए सी वैक्टर आपको पता करना है भाई, है ना। तो अगर आपको सी वैक्टर नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालेंगे सी वैक्टर, तो बहुत इजी, कुछ करना नहीं, देखिए इन दोनों साइड का समी तो आएगा सी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखूं, मैं इसको मान लेता हूं भाई ये जो लिखा हुआ है आर वन वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से, और फिर यहां पे दे रखा है आपको आर टू वेक्टर, ठीक, ये हो गया आपके पास आर टू वेक्टर। तो यहां पर आप पहले लिखते हो सी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, सी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए सी वेक्टर क्या है, आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, तो सी वेक्टर आएगा आर वन पहले सी से यहां तक आइए, फिर सी से यहां से ई तक आ जाइए वापस, तो इसके प्लेस पे आप लिख दो आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा आपके पास बी, तो आई। अब आर वन वेक्टर क्या आएगा एक्स नॉट माइनस आई, क्योंकि माइनस आई पे काम कर रहा है, माइनस एक्स पे चल रहा है इधर, फिर ये आ रहा है जेड पे बाहर की ओर, तो आर टू वेक्टर क्या जाएगा इसकी भी लेंथ एक्स नॉट ही रहेगी, लेकिन ये जेड पर बाहर आ रहा है तो के कैप आ जाएगा इसमें, ठीक। क्रॉस
मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप दे रखा था आपको, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब यहां से कितना आ जाएगा ये आई एक्स नॉट बी नॉट, ठीक है, आई क्रॉस के करते हैं तो आई क्रॉस के करने पर क्या आता है माइनस जे, भाई पहले आई क्रॉस के करना पड़ेगा तो आई क्रॉस के करने पर माइनस जे, और एक माइनस यहां पर पहले से लगा हुआ है, एक माइनस पहले से लगा हुआ है ना, तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जाएगा और एक माइनस पहले से लिखा हुआ तो जे गैप हो जाएगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो एक्स नॉट बी नॉट के क्रॉस के करने पर कितना आ जाएगा जीरो, तो के क्रॉस के आ गया आपके पास जीरो, तो ये आ गया आपके पास एफ थ्री वैक्टर, ठीक है भाई। एफ थ्री वैक्टर फाइनली कितना आ गया अपने पास, एफ थ्री वैक्टर आपके पास आ गया आई एक्स नॉट बी नॉट जे कैप, आई इंटू एक्स नॉट बी नॉट जे कैप आपके पास आ गया एफ थ्री वैक्टर, ठीक, तो ये आ गया एफ थ्री वैक्टर। अब ऐसे ही फाइनली हम क्या निकाल देंगे याद रखना आपको, ठीक है, इसको ऐड करना पड़ेगा बाद में, एफ वन वैक्टर लिखा लेते हैं क्योंकि हमें सबको ऐड भी करना है, जब टोटल लेंथ निकालेंगे तो इन सबको ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं फोर्स ऑन EF, फोर्स ऑन EF कैसे निकालोगे आप, F4 वेक्टर ले लो भाई इसको, F4 वेक्टर करने पर क्या जाएगा, ये माइनस जे के लोग हैं नीचे की तरफ, तो I इंटू एक्स नॉट माइनस जे कैप EF, और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी आपकी B नॉट K कैप, तो I इंटू एक्स नॉट इंटू बी नॉट, जे क्रॉस के होता है आपका आई के इक्वल, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा ये, तो इस तरह से आपके पास आ गया भाई ये F4 वेक्टर भी आ गया। अब टोटल फोर्स क्या आएगा, फोर्स ऑन टोटल लेंथ ऑफ वायर ए बी सी ई एफ, पूरे वायर पे इस बार में एक साथ फोर्स निकाल लें, तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा भाई आपके पास, एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस, बस F4 वेक्टर ये सारे वेक्टर थे, ठीक है, इनको आप ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा, ये सारे मैंने निकाल लीजिए, आप इनको ऐड कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको लास्ट वाले को सॉल्व करने का एक और तरीका है, अगर आपको ये नहीं करना होता, मान लीजिए आप सीधे पूछता कि फाइंड फोर्स ऑन टोटल लेंथ, आपसे डायरेक्ट भाई ऐसे नहीं पूछता कि ए बी बी सी सी ई और ई एफ पे फोर्स निकालो, आपसे पूछता कि पूरे वायर पे आप एक साथ फोर्स निकाल दो, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो। कैसे करना है उस केस में क्या करना है, देखिए ये जो पूरा वायर है, ये जो पूरा वायर हमें दिख रहा है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें सीधे किसके इक्वल आ जाएगा, ए एफ के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा भाई ए एफ के, देखिए इन सभी में जितने भी वायर हैं सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ये जितने भी वायर दे रखे हैं सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम है, सभी के लिए करंट भी सेम है, तो आई वेक्टर बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बाहर आ जाएगा, और इन सभी को वेक्टर फॉर्म ऐड कर देंगे, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर, वही तो आपका नेट फोर्स आएगा। तो उस केस में इन सभी वैक्टर्स का अगर हम सम देखें तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो, एफ वैक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए एफ वैक्टर, दैट्स इट, खत्म, क्रॉस बी, क्यों, क्यों रीजन लिख दोगे यहां पर, जो ए एफ वेक्टर है हमारे पास वो क्या क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई, सी डी नहीं, प्लस सी ई और प्लस ई एफ,
तो अगर हम इन चारों वायर्स को हटा दें सिर्फ सिंगल वायर से, तो इस पे जो फोर्स आएगा वही चारों पे भी फोर्स आएगा, कंफर्म बात है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो कर रहे हैं भैया। करो क्या, इन सभी का फोर्स निकाल के एड ही तो करोगे, F1, F2, F3, F4। अब देखिए सभी में F1, F2, सभी में आई कॉमन है, क्रॉस भी आप कॉमन लिख दो बाहर, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर तो आएगा नेट फोर्स, तो उसके आप सीधे ए एफ वेक्टर ले सकते हो, आपका आंसर आ जाए डायरेक्ट। तो ये आंसर क्या था, सीधे डायरेक्ट आप ऐसे करोगे सोल्व, अगर पूछता है टोटल फोर्स निकाले तो आप सीधे डायरेक्ट ऐसे सोल्व करोगे, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। तो सेगमेंट पे पूछा था इसलिए मैंने सभी पे फोर्स निकाला है। अगर हमसे सेगमेंट्स पे फोर्स ना पूछता, हमसे पूछता है टोटल लेंथ पर आप फोर्स बताइए, तो हम सीधे ऐसे करते हैं इस मेथड से करते, इस मेथड से करने नहीं जाते, इसमें चारों का फोर्स निकालेंगे फिर ऐड करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आप इससे करो आपका आंसर वही आएगा, आप इसे ऐड कर लेना, इसको मिलाना और इसको मिलाना, देखिए सेम ही आंसर दे रहा हुआ ये, यहां से क्या हो जाएगा, ये आ गया बाहर। ए एफ वेक्टर क्या है, ए एफ वेक्टर आएगा आपका एक्स नॉट के कैप, एक्स नॉट के कैप ही तो आएगा बाहर की तरफ, मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट के कैप। तो आंसर क्या जाएगा, आई एक्स नॉट बी नॉट के क्रॉस के कितना होता है, जीरो, तो आंसर आ जाता है जीरो। फोर्स क्या आता आपके पास, जीरो वेक्टर, तो फोर्स आता जीरो इस तरह से। और वैसे भी आप ऐड कर रहे हो सब कट ही रहे होंगे, यहां जे कैप आया था ठीक है, इसमें माइनस आई कैप आया था ठीक है, तो एक ये देखिए, ये तो इससे सीधे कैंसिल हो गया डायरेक्ट भाई, ये वाला वायर तो इस वाले वायर से डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, और आपने जो F4 निकाला है माइनस आई कैप आ रहा है, और जो AB वाला था प्लस आई कैप आ रहा था, F4 पे आपके पास F4 ये सॉरी कि माइनस आई कैप आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आप चेक करके देख लो जाए ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था, चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों के आंसर जीरो वेक्टर आ रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, अगर पूरे लेंथ पर एक साथ पूछता हमसे फोर्स, तो हम डायरेक्ट ये वाला वेक्टर लिखते हैं, सभी वेक्टर्स का सम कर दो आप सीधे ही वेक्टर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं इसमें एक नोट लिख रहा हूं, पहले वो नोट में फिर क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है, नोट लिख लें आप, इफ एक कर्वी लीनियर वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड ऑन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख दिया, देन क्या होगा, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए स्ट्रेट स्ट्रेट वायर, कैरिंग करंट ज्वाइनिंग इट्स एंड्स ठीक है, ज्वाइनिंग इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ऐसे लिखने ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्वाइनिंग इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये होगा फ्रॉम विच करंट एंटर्स,
जिस पॉइंट से करंट एंटर करेगा उस पॉइंट से आपको मिलाना है फाइनल पॉइंट तक, वो आपको सीधे स्ट्रेट वायर से उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, मान लीजिए आपके पास एक सेमी सर्कुलर लूप है इस तरह से, एक टेढ़ा मेढ़ा वायर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से मान लो आपके पास इस तरह से कोई वायर है ऐसा ऐसा, ठीक, ये हो गया आपके पास P और ये हो गया Q। ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें रखा है इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म वेक्टर B। अब इस वायर पे आपको निकालना है फोर्स, तो वायर को आप रिप्लेस कर दो किससे, एक स्ट्रेट वायर से, PQ वेक्टर से। तो फोर्स कहेगा यहां पे F वेक्टर आपके पास आएगा I, करंट इसमें मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है I, देखिए इनिशियल पॉइंट होगा जहां से करंट एंटर करेगा, तो आपको P से Q की तरफ मिलाना और वेक्टर ऐसे दिखाना है इस डायरेक्शन में ऐसा, तो I इंटू PQ वेक्टर क्रॉस B, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फोर्स निकाल पाओगे इस पे, किसी भी कर्व पे आपको इस तरह से फोर्स निकालना है। ऐसा क्यों होता है, बहुत इजी है, आप कहीं भी एक कंपोनेंट छोटा सा ले लो डीएल वेक्टर, ठीक है, इसका अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे देख लो एक बार, फटाफट इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लगे। आप मान लीजिए आपके पास इसी वाले केस में छोटा सा यहां पर कहीं आप एक एलिमेंट ले लो इस तरह से छोटा सा, तो करंट फ्लो करेगा उसमें ऐसे करेगा, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं आई डीएल वेक्टर, आई इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है, तो डीएफ वेक्टर क्या आएगा, डीएफ वेक्टर आएगा आई क्रॉस डीएल वेक्टर, सॉरी आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे लिख दिया मैंने, टोटल फोर्स क्या आएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए बी तो यूनिफॉर्म है, आई भी यूनिफॉर्म है, तो आई आ जाएगा बाहर, क्रॉस बी वेक्टर आप लिख दीजिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर छोड़ दीजिए अंदर इस तरह से, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर का मतलब क्या है, इस तरह के सारे डीएल आपको जोड़ने हैं, अब सभी डीएल जोड़ोगे तो किसके बराबर आएंगे, पीक्यू वेक्टर के तो बराबर आएंगे, तो आंसर क्या जाएगा सीधे सीधे आई इंटू पीक्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रीजन, क्योंकि डीएल वेक्टर किसके बराबर है, पीक्यू वेक्टर के। भाई साहब बहुत सारे डीएल लेते जाओ, डीएल 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 इस तरह से ले लो बहुत सारे डीएल, उन सभी को वेक्टर ऐड करेंगे सीधी लाइन तो आएगी डायरेक्ट, तो पीक्यू वेक्टर आ जाएगा सीधा आपके। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, चलिए नोट कर लिया आपने, अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। अब आप मान लो यहां पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है क्रॉस क्रॉस, ठीक, और इसमें आपको दे रखा है एक वायर, और जो वायर है आपका वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड हर जगह है, ये यहां भी है, जिसकी लेंथ है, ये लेंथ है ए, ये मान लीजिए 5a, ये मान लीजिए 4a, ये मान लेते हैं 2a, जो इसकी रेडियस है वो a मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं वापस से a, ठीक है भाई। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका I, इधर ऐसा फिर ऐसा आया फिर ऐसा फिर ऐसा और फिर चला गया इधर को, तो ये आपके पास एक वायर है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस के कैप इसलिए क्रॉस है, तो क्रॉस है तो माइनस के कैप लगा लेंगे, ठीक है भाई, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या लगा लेंगे हम लोग, माइनस के कैप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लो।
अब देखिए, सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, आपके पास ही मैं अभी आपको जो ट्रिक लिखी थी उसमें क्या लिखा था, जो मैंने ट्रिक लिखी थी इसमें मैंने लिखा था आपको अभी कि आप सारे वायर, भाई कोई कर्व वायर मान लीजिए, एक कर्व वायर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि स्ट्रेट वायर से। ऐसे देखिए यहां पर भी तिरछा वायर जो आपको दिख रहा है इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं कि स्ट्रेट वायर से। तो लिख दूंगा द गिवन वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाई, अब रिप्लेस कैसे करेंगे वो देखिए। तो ये पहला तो आ जाएगा ए, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं और अच्छा रहेगा। से मान लेते हैं ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये हो गया U और ये हो गया आपके पास V। क्लियर भाई? ओके, तो ये हो गया आपके पास पी क्यू। फिर इसके बाद 3A लेंथ हो रहेगा, 3A क्यों आई देखिए, ये 5A, ये 4A और यहां पर जो आएगा इस जगह पर अगर हम देखें डॉटेड इस तरह से ये लेंथ, तो QS जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, QS जो लेंथ आएगी वो जाएगी 3A बाई पाइथागोरस थ्योरम, रूट 5A का स्क्वायर माइनस 4A का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये तो 2A दे रखा है सीधे सीधा, इसको सीधे सीधा 2A लिखो डायरेक्ट, का नाम क्या है एस टी वेक्टर। इसके बाद क्या टी यू, इसको भी रिप्लेस करते हैं स्ट्रेट वायर से। तो अगर ये A है तो ये कितना आएगा 2A, डायमीटर हो जाएगा टी यू, तो टी यू कितना आ जाएगा 2A। करंट यहां से टी से इंटर करता है यू में, तो टी से यू को मिलाता है वेक्टर खींचेंगे, तो टी यू वेक्टर आएगा, टी यू वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी इसमें, ये कर लीजिए आप यू। फाइनली आपके पास यू भी दे रखा है लेंथ ए, सभी में करंट तो सेम डायरेक्शन में है ही, करंट कितना है आई। अब इस पूरे वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई ए वायर जिसका नाम हो जाएगा पी V, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा I और जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी देखिए A 4 6 8 और 9, A 3 1 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, 2 हो गया 8 और 1 हो गया 9, तो 9A। और ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स क्या आ जाएगा इस पे F वेक्टर आपके पास आ जाएगा I इंटू L, L कितना है 9 इंटू A, डायरेक्शन क्या है इसकी I कैप, वो किधर था भाई क्रॉस कर दें B नॉट माइनस I कैप क्रॉस K कैप आता है माइनस J कैप, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 9 A I इंटू B नॉट J कैप। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये आप समझ गए कैसे आया 3A पाइथागोरस से, और ये कैसे आया भाई, ये इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इस वायर से, सीधे वायर से इस पूरे वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन हम ऐसे भी दे, डायरेक्शन जे कैप सही है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, जो फर्स्ट फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो थंब आपको बताएगा मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ काम कर रहा है। देखिए ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स आपका काम कर रहा है ऊपर की तरफ, जे कैप की डायरेक्शन, वही जे कैप आया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए आपके पास दो सेमी सर्कल्स हैं, एक ये ठीक है, ये आपका ए है, ये वाला बी है, पी क्यू, ये भी आपके पास क्या है भाई पी क्यू, यहां पर फील्ड जो है वो क्रॉस क्रॉस है,
माइनस के कैप, यहां पर जो फील्ड है वो इस तरह से, ठीक है। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। फाइंड फोर्सेस ऑन ए एंड बी बोथ केसेस, तो आपको दोनों ही केसेस में फोर्सेस का पता लगाना है, ठीक है भाई। चलिए तो देखते हैं क्या करना है इसमें। पहले ए केस की बात कर लेते हैं, केस ए में क्या दे रखा है, मैंने कहा था इस वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा सीधे सीधे एक वायर से डायरेक्ट, तो जो अपने पास सेमी सर्किल है पी क्यू, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई से, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल वायर जो कि सीधे किसके बराबर, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या आ जाएगा यहां पे, आई इंटू पी क्यू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, तो आई इंटू पी क्यू वैक्टर क्या हो जाएगा, इसकी जो रेडियस है इसको मान लेते हैं हम लोग आर, यहां पर भी जो रेडियस है इसको मान लेते हैं आर, तो टू आर आई कैप क्रॉस बी इंटू आई कैप कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई कितना होता है जीरो, जीरो आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरल रखा हो तो उस पर फोर्स जीरो काम करता है, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, तो केस ए हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम केस बी करें, अब हम कर लेते हैं केस बी, तो ये हटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की नहीं है यहां पे। अब कैसी है भाई मैग्नेटिक फील्ड, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस इन वायर डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्रॉस ये क्या आ जाएगा आपके पास, पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी, अब यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो चेंज होगा सिर्फ, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, माइनस के कैप, तो टू इंटू आई इंटू आर इंटू बी, आई क्रॉस के करूंगा तो माइनस जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो जे कैप आ जाएगा फाइनली, ये हो गया आपका आंसर, तो बी केस का आंसर ये हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, आप हमेशा वेक्टर फॉर्म में करोगे ज्यादा आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, आपको यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक, ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई नॉट इज प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, फाइंड फोर्स ऑन लॉन्ग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से आपको यह पता करना, देख क्वेश्चन में क्या है, फिगर दे रखा है आपको, यहां पर क्या है, एक अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, किस पे,
एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको आर, ठीक है। अब इसके सेंटर से गुजरता हुआ एक लॉन्ग वायर दे रखा है हमें, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट। अब आपको फोर्स निकालना है लॉन्ग वायर पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप, ये और लिखने ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप और लिखने आप अभी। तो इसकी वजह से हमको यहां पर निकालनी है, इस वायर पे फोर्स निकालना है। अब देखिए क्या होगा, तो इसके लिए आपको पहले एक बात बतानी चाहिए। बात यह है कि कोई भी रिवॉल्विंग चार्ज सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज रिवॉल्व करता है, सॉल्यूशन करता हूं इसको और आप देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं। ए चार्ज रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ए चार्ज रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ बिहेव्स लाइक ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो चार्ज जो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो, क्लियर है बात। इसमें करंट क्या आएगा, अब करंट कैसे निकालेंगे वो और देखो एक बार जरा, तो क्वेश्चन में कर देता हूं इरेज। अब देखिए भाई इसमें मैंने मान लिया यहां पर अपने पास एक इस तरह सर्किल है, इस फिगर को नहीं अलग से फिगर कर रहा हूं मैं, इसमें कोई चार्ज आपने माना प्लस कैपिटल क्यू, ये रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है भाई। ये आपका रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। और इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, तो करंट क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन में टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन। देखो जब ये अपना एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो ये जो पाथ है इस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे इस पाथ में करंट फ्लो करता होगा भाई, चार्ज क्यों फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, जब ये अपना पूरा एक चक्कर कर लेगा तो पूरे सर्किट में करंट आई हो जाएगा, है ना, टू पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई बाई टी, ठीक है भाई। यहां से करंट क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आपका आता है क्यू इंटू ओमेगा अपॉन टू पाई, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको याद कर ले हमेशा के लिए, ठीक। तो अब देखिए इसमें आ जाते हैं वापस से, अब जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, करंट को मान लेते हैं आई, तो अब इसमें भी करंट फ्लो करेगा इस तरह से आई है कि नहीं, इसमें करंट आपका ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए ये हिस्सा आपका बाहर लाना है, थ्री डी फिगर है, तो इस ये जो हिस्सा है इसमें ऐसे तो करंट देखिए ऐसे तो फ्लो कर रहा है, करंट चार्ज ऐसे घूम रहा था, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा कैसे, इस तरह से बाहर की ओर ऐसे निकलेगा, बाहर की ओर आएगा ऐसा, फिर जाएगा अंदर की ओर, फिर ऐसे निकलेगा बाहर की ओर, और ये आपके पास लॉन्ग वायर इस तरह से रखा हुआ है, तो ऐसे इस तरह से आपके पास कॉइल इस तरह से रखी हुई, ये हिस्सा बाहर निकाल दीजिए, हिस्से को अंदर कर दीजिए इस वाले हिस्से को, तो इसको थ्री डी फिगर इस तरह से बाहर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, ये ऐसे तो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो करंट अगर बाहर की तरफ है तो उंगली आपको ऐसे मोड़नी है बाहर की तरफ, देखिए राइट हैंड से निकलती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है वो राइट हैंड से निकलती है। अब देखिए होगा क्या, तो मैं क्या लिख रहे हैं वो देखिए, पहले लॉन्ग वायर पे फोर्स काम क्यों करेगा पहले वो देखते हैं, तो लिखेंगे ए फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन लॉन्ग वायर ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट लूप है कि नहीं। तो सर्कुलर करंट लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फोर्स लगाएगी वायर के, वायर पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें फोर्स काम करेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड, लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वायर पे फोर्स काम कर रहा है लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब लूप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं कैसे आएगी। ये मान लीजिए आपके पास लूप है और ये इसकी एक्सिस दे रखी है आपको इस तरह से, ठीक है। करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरह से आई, तो जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड पे इसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लें ये, तो ये आपकी मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकालने में से डायरेक्शन देख रहा हूं, तो डायरेक्शन आएगी इस तरह से बाहर की ओर, एक्सिस के लोग आती है बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों आई है, राइट हैंड रूल से देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस तरफ उंगलियां कर्ल करनी है आपको, और अंगूठा आपका बता देगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। सर्कुलर वायर के केस में जिस डायरेक्शन, जैसा आप मान लो आपको करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब ये लूप रखी हुई 3D, एक्चुअल में लूप ऐसे रखी हुई है इस तरह से ये, ठीक। और देखिए करंट बाहर वाली, ये हिस्सा अंदर वाला है, ये हिस्सा अंदर वाला, ये हिस्सा बाहर वाला, तो इसको पहले ऐसे रख लो। अब बाहर वाले हिस्से पे देखो, ये बाहर वाले हिस्से पे देखिए कैसा करंट है, तो ऐसे निकलेगा करंट इस तरह से, यहां से निकलेगा ऐसे बाहर आएगा और इस तरह से अंदर जाएगा वापस करंट। तो इसको ऐसे मोड़ ले उंगलियों, ऐसे इस तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी है, ठीक, लिख देंगे वी वेक्टर ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप इज अलोंग इट्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इस डायरेक्शन में राइट वार्ड्स भी ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, राइट वार्ड्स इस तरफ। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो वायर है इसमें करंट है आई नॉट, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये है, हालांकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी, लेकिन डायरेक्शन हर जगह कैसी रहेगी, ऐसी रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या आएगा, F वेक्टर आपका आ जाएगा जीरो वेक्टर, क्यों, क्योंकि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है तो उस पर फोर्स कितना आता है, जीरो, I इंटू बी इंटू एल साइन थीटा करेंगे, साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से फोर्स क्या जाएगा आपके पास, जीरो, भले ही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी पॉइंट्स आप कहीं भी कोई पॉइंट्स लोगे डायरेक्शन इस तरफ आनी है, तो यहां पे निकालेंगे तब भी जीरो आएगा, यहां पे निकालेंगे तब भी जीरो आएगा, यहां पे निकालेंगे तब भी जीरो आएगा, यहां पे निकालेंगे तब भी जीरो आएगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप छोटे छोटे डीएल मान लो, यहां पे एक डीएल मान लो, यहां पर एक डीएल मान लो, यहां पर एक डीएल मान लो, तो उस डीएल में तो फील्ड की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो डीएल पर जब फील्ड की वैल्यू देखेंगे डायरेक्शन आएगी आपकी इस तरफ राइट वर्ड्स, और करंट भी किस तरफ होगा, राइट वर्ड्स, तो आपका नेट फोर्स क्या जाएगा, जीरो, लिख देंगे बिकॉज वायर इट प्लेस्ड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो भाई इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या करना है आपको, आपके पास क्या है, एक इस तरह से दे रखा है लूप है एक आपके पास ये, यह आपके पास एक लूप है, ठीक है।
अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए आपका आई टू है, ये थ्री डी फिगर है आपके पास, ठीक है भाई। इसके एक्सिस पर देखें तो यहां से एक वायर गुजरता है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, इसके एक्सिस से, इनफिनाइट लेंथ हो गया, इधर भी इनफिनाइट, और इसमें करंट फ्लो करता है मान लीजिए आई वन, ये आपके पास फिगर है, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन लूप ए बी सी डी ए ड्यू टू लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई वन प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन देखने ध्यान से। ये आपका थ्री डी फिगर है, ये कुछ सिलेंड्रिकल मतलब हॉलो सिलेंडर आप ऐसे मान लो, तो उसके कर्व मतलब उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके उस पर हमने ऐसे ऐसे वायर लपेट दिया इस तरह से, ठीक है। और जो आगे इसकी एक्सिस आएगी उस पर हमने क्या कर रखा है, एक वायर लगा रखा है। इसकी रेडियस दे रखी है हमें कैपिटल आर, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये हमें दे रखी है एल, इस शेप की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है एल, और सर्कल की जो रेडियस है वो क्या दे रखी है भाई आर दे रखी है, ठीक है। अब इस लॉन्ग वायर की वजह से इस पूरी लूप पर आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है भाई फोर्स निकालना है। तो देखिए कैसे करना है, अभी देखिए हमने किया था ये जो लूप आएगी अपने पास बीसी और जो लूप आएगी एडी इस पर फोर्स जीरो आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, ये जो फिगर दे रखा है आपको यहां पर, इस सर्कल को मैं टू डी में बना लेता हूं, मान लीजिए आपका ये इस तरह से दे रखा है, ठीक है ऐसा, और करंट क्या है इसमें आई वन। ये जो फिगर है इसको मैं सामने से देख रहा हूं, मतलब इसको टॉप से देखिए, आप ऊपर से देखिए इसको, यहां से इस जगह से देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, एक वायर है यहां पर जिसमें से करंट आई वन बाहर निकल रहा है, मतलब वायर आपका ऐसा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वायर इस तरह से। ये जो फिगर दिख रहा है इसको आप यहां टॉप से देखिए, इस जगह से, यहां से खड़े देखिए इस जगह से, फ्रॉम दिस जगह, अगर इसको मैं यहां से देखूं इस जगह से देखूं तो मुझे ऐसे तो दिखेगा जो करंट है वो ऐसे बाहर आता हुआ नजर आएगा इस तरह से, है ना। और ये जो पूरा अपने पास लूप है वो इस तरह से नजर आएगी, जिस लूप का नाम क्या है बीसी। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस इसकी आर दे रखी है आपको, क्लियर होगी बात। अब देखिए अगर हम इस वायर की वजह से फील्ड देखें, मान लेते हैं छोटा सा डीएल यहां पर लेते हैं, इस जगह पे एक डीएल ले लेते हैं, है ना, ये मैंने एक ले लिया यहां पे डीएल, आई वन इंटू सॉरी इसमें आई टू करंट था, यहां करंट था आई टू, ये करंट आपका आई टू है, आई वन नहीं, यहां पर करंट क्या है भाई आई टू, ये करंट आई वन था आपका। यहां पर छोटी सी लूप आपने ले ली है, यहां पे आई इंटू डीएल आई वन सॉरी आई टू इंटू डीएल वेक्टर, आई टू इंटू डीएल वेक्टर। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये वायर है इस तरह का, ये जो रेड वायर यहां पे दिखा रखा है वो ऐसा हो जाएगा, यहां पे इस जगह पे हो जाएगा ऐसा, करंट कैसा है इस पर बाहर की ओर, देखिए फील्ड कैसी आने वाली है, फील्ड आएगी ऐसी, कैसी तिरछी इधर की ओर टेंजेंशियल। अगर हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालना है हमको, ये इस पॉइंट को आप यहां से मिला दो, इस बटा दो यहां से, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, अब इसको यहां से मिला दो, तो रेडियस हो जाएगी आर,
जिस डायरेक्शन में करंट होता है। अब देखिए किसी स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलते हैं एक बार सीख लो आप पहले बढ़िया तरह से। ये मान लीजिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां पर कोई पॉइंट पी दे रखा है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। राइट हैंड लिया, जिस डायरेक्शन में करंट है वहां थंब दिखाया, जिस तरफ पॉइंट है वहां फिंगर कर दी, जो आपकी पाम है हथेली ये बताएगी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी इस केस में, इनवर्ड्स। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, करंट ऐसे तो है आउटवर्ड जेड एक्सिस पर बाहर की ओर, पॉइंट उस तरफ है, तो टेंजेंशियल ऊपर की ओर आएगी, ऐसी आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। ठीक, अब अगर हम देखें क्या लिख देंगे बात, एज मैग्नेटिक फील्ड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ड्यू टू लॉन्ग वायर कैरिंग, देखिए करंट को दिखा रखा है डॉट से, मतलब बाहर निकलता हुआ करंट है। ये सिंबल होता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज नहीं करते, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, करंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, बाहर की ओर है तो करंट आपका बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, वायर कैरिंग करंट आई वन इज टेंजेंशियल टू सर्कमफेरेंस। तो यहां पर आप अगर आप देखो डीए वेक्टर क्या जाएगा आपके पास, डीए वेक्टर आएगा आई डी एल क्रॉस बी। अब दोनों पैरेलल है, यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 180 डिग्री का, जीरो आंसर आएगा। तो डीए वेक्टर आ गया जीरो, टोटल फोर्स क्या आएगा हर पॉइंट पर ऐसे होगा टेंजेंशियल आएगी फील्ड, आप यहां निकालोगे यहां टेंजेंशियल ऐसे नीचे की ओर आ जाएगी, तो नेट फोर्स क्या जाएगा इस पे जीरो, तो इस पे जीरो आ जाएगा, नीचे वाली ए बी पर भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस, इसको यहां से हटा देता हूं। हैंस ऑन सेमी सर्कुलर पाथ बीसी एंड ए डी, फोर्सेस विल बी जीरो ड्यू टू लॉन्ग वायर। भैया तो फोर्स हो गया जीरो आपके पास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट वायर्स। तो बच्चे अपने पास अभी दो वायर, एक तो ये हो गया एक यहां हो गया, इसमें करंट है I2, इसकी लेंथ है L, इसकी भी लेंथ है L और इसमें करंट है I2 ऊपर की ओर। ठीक, बीच में आपके पास यहां पर एक वायर है इनफिनाइट लेंथ का, इसमें करंट क्या है आपके पास I1 है, करंट क्या है आपके पास I1। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें दूरी है R हो जाएगी, ये दूरी भी क्या हो जाएगी R। तो आपको पता है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स जो आता है फॉर्मूला है ना, इसका नाम क्या है ए बी और इसका नाम क्या है ऐसा है ना, ये जाएगा आपका एफ वन वेक्टर इस डायरेक्शन में, और जो इस पे फोर्स काम करेगा ये रिपल्सन का करेगा, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपेल करता है, तो यहां पर काम करेगा एफ टू वेक्टर। इन दोनों के बीच क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों के बीच क्या होगा रिपल्सन होगा। आपको ध्यान रखना है दो पैरेलल वायर्स अगर उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यह आ जाएगा आपका एफ टू वेक्टर, और इसकी वजह से यहां पे फोर्स निकालना है ना। इस वायर को रख लेते हैं फर्स्ट वायर, इस वायर को सेकेंड वायर में छोड़िए, जरूरत नहीं है, आपको दिखा दिया मैंने फोर्स एफ वन एफ टू हो गया। इसकी वजह से यहां पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा ए बी पर,
लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन ए बी वायर ड्यू टू लॉन्ग वायर जिसमें करंट आपका आई वन है वो है ना, तो एफ वन आएगा आई, अट्रैक्शन का होता है वो हमें पता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप, वापस वीडियो लेक्चर में जाइए जहां पर पैरेलल वायर्स के बीच हमने फोर्स निकाला था, उस फोर्स का फॉर्मूला देख लीजिए कैसे डायरेक्शन आई थी वो देख लीजिए, तो मैं सीधे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूले की, यह आया था आपका म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई टू दोनों के करंट का मल्टीप्लाई, अब इस वायर की सिर्फ एल लेंथ है तो यहां पर एल से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको है ना, वो यूनिट लेंथ पे आता है टू आई वन आई टू अपॉन में आना, अगर एल लेंथ है तो एल से मल्टीप्लाई कर डिस्टेंस के इनके बीच कैपिटल आर, खत्म। डायरेक्शन क्या भाई आई कैप, आई कैप लगा दो। सिमिलरली फोर्स ऑन डीसी वायर ड्यू टू लॉन्ग वायर आई वन जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मान लेते हैं एफ टू वैक्टर, भाई एफ टू वैक्टर क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू इंटू एल अपॉन में वही आर आई कैप, डायरेक्शन इसकी भी आई कैप में, नेट फोर्स क्या आ जाएगा टोटल फोर्स ड्यू टू लॉन्ग वायर, नेट फोर्स आएगा एफ वेक्टर, ये हो जाएगा आपका एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर, ठीक है एफ वन एफ टू आपके पास दे रखे हैं सीधे ऐड हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई फोर आई वन आई टू अपॉन में आर इंटू एल इंटू आई कैप, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है फोर आई वन आई टू इंटू एल इंटू आर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे, ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे तो इजिली सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको आंसर बता दिया कैसे करना होता है, तो वेक्टर फॉर्म में आप करोगे ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन के साथ।